और हमने फैसला भी कर लिया था कि सबके रेतपुर से आ जाने के बाद ये सच्चाई हम सबके सामने रख देंगे, ताकि सबकी मुश्किलें दूर हो जाए और खासकर देव की। सच तुम क्या बताओगे? सच तो पैन को मैं जाके बताऊंगा। ए देखो, सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और कल जो है एक गीत और वो बलवंत मिले थे उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जगनू के सातल चमाक का लोहा अमेरिका भी मानता है। रो, इससे पहले मामा जी के बीजी से कुछ कहे, उन्हें रोकना चाहिए। कहीं आपके बताने से पहले वो कुछ बोल ना दे। चलिए चलिए। सॉरी सॉरी जी। क्या लड़की, हर दूसरे दिन मिलने के लिए बुला लेते हो, कुछ बोला तो जाता नहीं है। हाथ पकड़ते हुए तो डर लगता है मेरा। अब ये तुम्हारा कमरा है? हाँ जी, ये अब हाँ जी मेरा ही कमरा है। लावे जगनू साहब। प्रीता जी, गुदगुदी हो रही है जी। तेरी दुश्मना की फौज पीछे लगी, इन्हें किस्मत अच्छी है कि तू अपनी बंदूक सवेरे सवेरे साफ कीती है। पीतो जी नाराज हो गए। पीतो जी, मैं वो कह रहा था कि पीतो जी वो जी, मैं ना वो दरवाजा खोल दूं? अब फंस गया है। ओए, ओ क्या हो गया मामे, ये चल क्या रहा है? ओ मेरा छठ, तेरा क्या चल रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। मामा जी हमारी बात तो सुनिए। मामा जी खिड़की खोलिए। ये तो कितनी थी, क्या आवाज है? मामा जी दरवाजा खोलो प्लीज। ओए ये तो भीड़ जी, जोर बलवंत सिंह की भी आवाज है। मामा जी दरवाजे खोलिए। मामा जी प्लीज बात तो सुनिए हमारी। मामा जी प्लीज। और क्या चंचला के आया तू, क्या पंगा डाल दिया? कुछ नहीं है, ये सब दुश्मन की फौज है, लेकिन जिगरू उस्ताद ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। आनंद पैनू एक एक टोल पोल खोल करेगा जुगनू। ओ जा यार मामे, तू भी ना बहुत बड़ा गपोड़ी हो गया है। नहीं दुश्मन कौन और कौन सी फौज, वो सारे तो अपने घर के बंदे हैं। मैं ना अभी दरवाजा खोल के आता हूँ। अगर दरवाजा खोलिया ना तो तेरी आशकी का पूरा कच्चा चिट्ठा जाके मैं डिटेल च पैन नू सुना देना है। मामा जी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो दरवाजा खोलने जा ही नहीं रहा। मामा जी दरवाजे खोलिए। मामा जी प्लीज बात तो सुनिए हमारी। मामा जी हमारी बात समझिए, आपको गलती हो गई, एक बार खिड़की खोलिए, हमारी बात तो सुन लीजिए। मामा जी, मामा जी दरवाजा खोलिए। मामा जी मेरी बात सुनिए। मामा जी ओए ये रोला क्यों पाया हुआ है? पता नहीं बीजी, चल के देखते हैं।
बीजी को मत बताना, अंग्रेजी पिला दूंगा। और पैसे? मम्मी मैं अंडे नहीं खाऊंगा लेकिन तेरे को पैसे भी दे दूंगा खुश, लेकिन किसी को बताना मत। लेकिन क्या नहीं बताना? शाबाश, वेरी गुड। मामा तो भूल ही गया प्रीतो के बारे में। प्रीतो तो याद है लेकिन क्या नहीं बताना है वो दस। यार मम्मी तू भी ना मरवाएगा। मामा जी प्लीज खिड़की खोलिए। मामा जी क्या होया? मैं क्यों रोला पर रखा है? बलवंत तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और तूने तो अपने रिश्तेदारों के घर जाना था ना। हाँ पाजी वो पाजी बोलो। पाजी वो मासी जी वो हाँ मामा जी ने बहुत पी ली थी ना तो वो हमें बहुत तंग कर रहे थे और हमसे संभाला नहीं जा रहा था ना इसलिए। जी हाँ इसीलिए मैं बलवंत को वहां से बुलाया और उसे कहा कि आपको कुछ बताए नहीं क्योंकि 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 क्यों मुझे क्यों नहीं बताना था? क्योंकि आप लोग रिश्ते की बात करने गए थे। हाँ, नहीं तो टेंशन हो जाती। हाँ इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि आपको टेंशन ना हो। लेकिन ये जुगनू है कहाँ? जुगनू भाई जुगनू कित्थे? मेरी रानी पैन परे हट। पैन देखो पता नहीं है तेरे को देख के आज मेरे को इतनी खुशी हुई है जितनी लाइफ में कभी नहीं हुई। तो चल भाई आज तो शामत आ रही है जल्दी। तू ना यहाँ चुप जा जल्दी। यहाँ तो कोई आया नहीं था इधर तो कोई है ही नहीं। तेजी पाजी मामा जी क्या तमाशा लगा रखा है ये बताओ ना दरवाजा क्यों बंद किया होता आपने? पुत्र दुश्मना दी फौज पीछे पै गई थी इस घर के। उस सीधी तरह से बात बताता है कि नहीं? बहन कोई तो पता नहीं है तेरे को इसलिए तो इन सबसे छिपता फिर रहा था। लेकिन अब तू आ गई है ना अब मेरे को किसी का डर नहीं है। ओ मामा जी बोलो ना हुआ क्या है? एक गल बहुत जरूरी है राजू पुत्र। एक मिनट बाजी मुझे आप लोगों को बहुत जरूरी बात बतानी है। बस नहीं अगर मेरी गल गलत निकले ना तो बेशक माली सफेद लेकिन पहले मेरी गल सुन ला पैन नहीं तो मैं भूल जानी है। उत्तरी यार कहीं मामा मेरी मेरी पोल ना खोल दे आज। मामा जी तुसी दसो की गल की है तो गल ये
कह दे, भूल गया। तुझे पूछते ही नहीं जोर दियो कि मैं चुकलूं, इतना कुछ नहीं हो सकता और तेरे में कभी अकल नहीं आ सकती। ओ यार मम्मे तू भी ना यार, सो गुरु दी बेइज्जतियों का बादशाह है, वो हर बार बेइज्जती कराता है और फिर खड़ा हो जाता करवाने के लिए। ओ यार तेरे को कितनी बार बोला है ऐसी बातें लिख लिया कर, रिकॉर्ड कर लिया कर। एक मिनट सच्ची सच्ची बात सुन, मैं कितनी रिकॉर्डिंग कितनी है, मैं रिकॉर्डिंग मामा जी कहां से रिकॉर्ड करोगे आप? आपके वीडियो कैमरा लेके तो घूमते हो नहीं हो, आप जाके खाना खाओ और सो जाओ। हाँ पुत्र तो कैमरा तो है नहीं, फिर कद रिकॉर्ड किया मैं। याद आ गया, मैं इन्हां दी रिकॉर्डिंग फोन ते कीती है, फोन ते। फोन एक मिनट देख। आप जानते हैं ना दीदी, हम सब आपको कितना प्यार करते हैं, पर आपने हमारे साथ क्या किया? धोखा दिया ना हमें, और इस झूठ का जवाब आपकी मानसिंह खुराना क्या देंगी दीदी? इसका जवाब मानसिंह खुराना खुद देगा। आजा पुत्र आजा, अधिक अजय आनंद नहीं, गलती तो मेरी थी, जो जाने अनजाने में मैंने गीत का दिल दुखा है। जब गीत को मनाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा तब मुझे मालूम चला कि मानसिंह खुराना का नाम लेना भी ना कितना बड़ा गुनाह है, मजबूरन मुझे ड्राइवर बलवंत सिंह बनना पड़ा। तो बलवंत नहीं मानसिंह खुराना है। तो इसका मतलब तू बलवंत नहीं मान है, तुझे झूठ और बेईमानी के अलावा कुछ नहीं आता है? तो तूने हमारे घर में आके हमें धोखा दिया? गीत तेरा घर छोड़ के आए, मुझे लगा पति पत्नी के आपस का मामला है, पर एक न एक दिन निपटी जाना है। लेकिन नहीं, भाई तुम्हारी आज की हरकत के बाद मेरे को समझ में आ गया कि मैं गलत थी। तुम्हारे जैसा बेईमान आदमी रिश्ते का खाक निभाएगा? नहीं बीजी, मान बेईमान नहीं है, हम आपको सब कुछ बताना चाहते थे। वो गिर तू चुप ही रह, तूने भी धोखा दिया मैं। ओए पुत्र, हम तो तेरा भला चाहते थे ना, ओए उसके बाद भी तूने धोखा दिया हमें। पीछे एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। रहने दे गीत,
वापस कर और चली जाए यहां से। ओए काके, तू भी चला जा, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। पीजी प्लीज एक बार हमारी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद। पीजी ने एक बार ही बोल दिया चले जाओ तो चले जाओ, और तू तेरा जो भी नाम है यहां से निकल ले। अरे सबके सब निकलो यहां से। पीजी फिर हमारी बातों से नीचे पीजी। और तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहां से, और मेरे सबर का इम्तिहान मत लियो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू इस कार का जवाई है, समझा? जाओगी तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको धोखा नहीं दे रही थी। ये पुत्री ये धोखा नहीं तो और क्या था? मानसिंह खुराना भेस बदल के इस घर में रहा और तूने उसका साथ दिया। देख डर, अगर मुझे जिंदगी में किसी चीज से नफरत है ना, तो वो है झूठ और बेईमानी। दो चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तू तो मेरी अपनी थी, फिर तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? एक बात बता गीत, मानसिंह से मेरी क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी? अरे अगर मैं उससे नाराज थी तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तूने मुझे ही दुश्मन समझ लिया। ये सब किया था कि तुमने? खैर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, सारी गलती मेरी थी। मैं ही अपने बुजुर्गों की दी हुई नसीहत को भूल गई थी कि पति पत्नी के झगड़े के बीच में नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा क्या है? तुम दोनों में सुलह हो गई, तुम दोनों एक हो गए, और यहां अगर गलत हुए तो हम, मैं, तेजी और हम सब। मुझे माफ कर दीजिए, आपको बुरा बनाने का मेरा इरादा नहीं था। मैं सच में डर गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आपको सच कैसे बताऊं। और मेरा यकीन मानी, मैंने और मान ने सोचा था कि जब आप रीतपुर से वापस आ जाएंगे हम आपको सब कुछ बता देंगे। छोड़ गीत, कोई फायदा नहीं है अब इन सब बातों का। तुम दोनों के ऊपर से भरोसा उठ गया है मेरा। पहले मानसिंह खुराना ने तुम्हें तकलीफ दी, और अब तुम दोनों ने मिलकर यह सब नाटक किया। मानसिंह, वो ऐसे नहीं, आपको जरूर कोई गलत करनी हुई। ठीक है नहीं बुढ़िया, जैसी तेरी मर्जी, पर इस वक्त तू यहां से चली जा। गीत, मैंने कहा ना जा यहां से। गीत प्लीज मासी से बात कीजिए, उन्हें सच बताइए ना। मान